अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के साथ निकाह की वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें आप लोग दूल्हे को भी देखेंगे और दुल्हन को भी कि किस तरह से ऑनलाइन वीडियो कॉल पे निकाह हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ मैं रुखसती का शेयर करूँगी वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकें। और यहाँ पर अलिशबा और जना बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी, और पूरे फंक्शन में जो अलिशबा हैं वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल दिखाई दी गई हैं। क्या देख रहे हैं, बना के पूरे करने पड़ने। हाँ जी, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दूल्हे की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि आउट ऑफ कंट्री है, लंदन में है इस वक्त, और वो यहाँ नहीं आ सका अपनी शादी पे। और आप लोग जानना भी चाहते हैं कि किस वजह से नहीं आ सका, तो आप लोगों को बताते चलूँ कि सहर मिर्ज़ा के जो शौहर हैं, अब उनका निकाह हो चुका है, वो स्टडी वीज़ा पर गए थे बाहर और शादी पे उन्होंने आना ही था, लेकिन वो नहीं आ सके। जैसा कि शादी उनकी सारी प्लान हो चुकी थी, सब कुछ रेडी था, और वो नहीं आ सके, छुट्टी नहीं मिल सकी, तो जिस वजह से उन्होंने शादी कैंसिल नहीं की बल्कि ऑनलाइन निकाह कर लिया। और बहुत जल्द जैसे ही उन्हें छुट्टियाँ मिलेंगी तो जो सहर मिर्ज़ा के शौहर हैं तलहा, वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि आप सब ढूंढना चाह रहे थे कि सहर मिर्ज़ा के शौहर कौन हैं। और जब आप लोगों को मालूम हुआ तो आप सब ये भी जानना चाहते थे कि वो क्यों नहीं आए। तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि स्टडी वीज़ा पर गए थे और छुट्टी ना मिलने की वजह से वो नहीं आ सके, और सब कुछ पहले से प्लान था। जैसा कि जन्नत मिर्ज़ा, सहर और अलिशबा जापान गई हुई थी और वहाँ से वापस शादी के लिए ही आई थी, और शादी की इनकी तैयारियाँ डन थी, तो इस वजह से ये सब हुआ। अब आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो इसलिए आप लोगों के हर सवालों के जवाब मेरे चैनल पर मिला करेंगे। आप लोग कमेंट कर दिया करें, जो चीज़ भी आप जानना चाहते होंगे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ कि नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ मैं रुखसती का शेयर करूँगी, और शहर के ससुराल से भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए आप लोगों ने मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी वीडियोस में शेयर करती हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने म्यूज़िक के साथ वीडियोस देखनी है, या वीडियो की जो रियल आवाज़ है उसके साथ देखनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले मैं इंस्टाग्राम पर डालती हूँ और उसके फ़ौरन बाद ही यूट्यूब पे वीडियो आती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रुखसती का व्लॉग लेकर, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।